हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संचिता, अनकट संचिता के एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। मॉर्निंग हो गई है और सुबह उठ के मैंने ब्रश कर लिया। ब्रश करने के बाद मेरा सबसे पहला काम होता है सनस्क्रीन लगाना, और अभी तो ये डेली रूटीन हो गया। पहले मैं कभी कभी लगाती थी और कभी कभी नहीं भी लगाती थी, बट अभी क्या हुआ, मेरे जो स्किन के डॉक्टर दिखाया था उन्होंने बताया सुबह सबसे पहले मुंह में सनस्क्रीन जरूर लगाइए, क्योंकि मेरे जो गाल पे ना थोड़े थोड़े स्पॉट्स आ गए थे। तो क्या हुआ, वो स्पॉट बहुत गंदे दिख रहे थे, तो इस वजह से डॉक्टर ने बोला सुबह उठ के संचिता जी जैसे भी हो पहले आप सनस्क्रीन लगा लेना। और मैंने फ्रिज खोल के दूध निकाल लिया। सबसे पहला काम घर का यही होता है, पहले कुछ मैं चाय पीती हूँ, थोड़ा सा दिमाग को ठंडा करती हूँ, ठंडा करने के बाद फिर काम करती हूँ। सुबह की चाय बहुत बड़ी एनर्जी लाती है। मैं वैसे ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ, मॉर्निंग में एक चाय पीती हूँ अदरक वाली, और शाम को एक चाय पीती हूँ। आजकल मैंने शाम का चाय भी छोड़ रखा है, मन नहीं करता, ऐसा लगता है किस लिए चाय पीऊँ, चीनी भी तो साथ में जा रहा है, और ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। आजकल ऐसा कुछ लगता नहीं है कि चाय पीऊँ, कुछ नशा तो है नहीं, तो इस वजह से मैंने चाय शाम का छोड़ रखा है। शाम को कभी कभी ये ग्रीन टी लेके बैठ जाती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके पी के और छोड़ देती हूँ। थोड़ा कभी अच्छा लगता है तो पी लेती हूँ, नहीं लगता है तो नहीं पीती हूँ, कुछ खा लेती हूँ, ऐसा करके ही आज चल रहा है। आज तक आज बन कर रहा था, ब्रेड में थोड़ा घी लगा के जो ब्रेड बनता है ना वो खाऊं। जुकाम बहुत लगा हुआ है और एकदम नाक बंद है, और टेस्ट एकदम भी नहीं आ रहा है। टेस्ट बस ऐसे लग रहा है कि मुंह में हर चीज़ मीठा मीठा, कोई चीज़ का स्वाद नहीं है। तो इस वजह से मैंने क्या किया, ब्रेड को थोड़ा सा घी लगा के सोचा चाय के साथ खाऊंगी। तो थोड़ा सा 4-5 ब्रेड ज़्यादा भी बना लेती हूँ। फैमिली है ना मेरा टी पार्टनर, वो और मैं सुबह चाय पीती हूँ। आज बहुत दिन हो गए मैं सुबह अकेले चाय नहीं पीती हूँ, सुबह की चाय मैं फैमिली के साथ पीती हूँ। क्योंकि जब बच्चे बड़े हुए, उनको कभी कॉलेज जाना होता, कभी स्कूल जाना होता था, फिर मेरे हस्बैंड कभी ड्यूटी, तो कभी भी कोई घर में इस टाइम रहता नहीं है जिस टाइम मैं चाय पीती हूँ। मैं थोड़ा लेट से चाय पीती हूँ। तो देखो, चाय मैंने डाइनिंग टेबल पे रख दिया है, चाय के साथ ब्रेड है, पानी है, और मेरा डेली का एक बहुत बड़ा फूड है, वो है दवाई। मेडिसिन सारे लूँगी ब्रेकफास्ट से पहले, ब्रेकफास्ट से बाद, सारे मेडिसिन लेने के बाद फिर मैं काम करने के लिए रेडी हो जाऊँगी, नाश्ता करूँगी। और मैंने देखो आज थोड़ा सा बालों में कलर किया हुआ है, तो मैंने सोचा बालों में कलर लगा लेती हूँ, उसके बाद घर का काम करती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर ना ये वाला नया सेल्फ मैंने लगाया हुआ है, और इस जगह का कलर थोड़ा सा छूटा हुआ है। हस्बैंड को बोला उसको ठीक कर देने के लिए, उनको अभी भी टाइम नहीं मिल रहा है। और जो सेल्फ आप देख रहे हैं ना सफ़ेद वाला, उसको भी मैंने कलर करवाया, थोड़ा सा चेंज करूँगी घर का डेकोरेशन। इस जगह में भी कपड़ा बिछाने के लिए देखो नीचे कपड़ा कैंची सब पड़ी हुई है, इस जगह का भी थोड़ा सा डेकोरेशन करूँगी मैं। थोड़े थोड़े दिन बाद ना घर का डेकोरेशन चेंज कर लेती हूँ। अगर घर का डेकोरेशन आप चेंज कर लेंगे ना, थोड़ा सा मन भी अच्छा लगता है। एक जैसे घर को देख के ना बहुत बोरियत आ जाती है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या है, घर पुराना पुराना जैसे लग रहा है। बट मैं क्या करती हूँ, पुराने नहीं होने देती हूँ। थोड़ा दिन जब भी जाता है मैं कोई नया डिजाइन का बेड कवर, कोई नया डिजाइन का टेबल क्लॉथ, कोई नया डिजाइन का डेकोरेशन कर लेती हूँ। थोड़ा सा सामान को इधर उधर करके अपने मुताबिक चेंज करने से मन बहुत अच्छा रहता है। क्या किया जाए, देखो ना हम घर चेंज कर सकते हैं, ना घर के जो सदस्य हैं उनको चेंज कर सकते हैं। हमें क्या करना है, अपने आप को ही थोड़ा सा अलग अलग तरीके से डेकोरेशन करके घर को सजाना है, और घर के जो लोग हैं उनसे थोड़ा सा अपने मुताबिक समझ के बात करके परिवार वालों को अपनी तरह से बना के चलना है। क्योंकि परिवार वाले जो हैं वो तो देखो अपने हिसाब से ही चलेंगे, आपको खुद को बदलना पड़ता है।
कभी आपने ये सोचा होगा कि मैं खुद को नहीं बदलूंगी, उनको बदलूंगी, ये कभी भी नहीं हो सकता। और वहाँ देखे माँ काली जी कैसे नाच रही है ना, मेरे जो डोर है, डोर के पास देख रहे हैं आप लोगों को, पंखा चल रहा है ना, इसलिए वो हिल रहे हैं। उस डोर के पास एक माँ काली जी की फ़ोटो है और उनके ऊपर पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो है। हमने जब फ्लैट लिया था तब किसी ने हमें बोला था कि घर से बाहर निकलते टाइम पंचमुखी हनुमान जी और माँ काली का दर्शन करके निकलो तो बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है। तो मैंने सोचा एक कैलेंडर यहाँ लगा देते हैं और पंचमुखी हनुमान जी का भी फ़ोटो लगा देते हैं, कोई बुराई तो है नहीं, भगवान जी कभी बुरे थोड़ी ना होते हैं। तो मैंने घर के डेकोरेशन का हिस्सा भी इनको भी बना लिया। और थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ बात करते करते सोचा इस वाले जो सेल्फ है इसको थोड़ा सा सजा लेती हूँ, क्योंकि अगर नहीं इसको ठीक करूँगी फिर मुझे बाद में लगना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कलर जब तक सीन में चढ़ रहा है तब तक घर का थोड़ा सा इधर उधर का डेकोरेशन ठीक कर लेती हूँ, इसके बाद जाके मुझे खाना भी बनाना पड़ेगा। देखो सारा दिन मैं काम में लगी रहती हूँ ना तो मेरा मन भी ठीक रहता है, नहीं तो मैं सारा दिन डिप्रेशन में रहती, ये क्या करूँ, वो क्या करूँ, इसका क्या हो गया, उसका क्या हो गया, बच्चे चले गए, फ़ोन नहीं करते, पति है, टाइम नहीं निकालते, बहुत सारे प्रॉब्लम हैं ज़िंदगी में। प्रॉब्लम की अगर गिनती शुरू करूँ ना सारा दिन निकल जाता है। प्रॉब्लम मत गिनती करो, सोल्यूशन निकालो, मेरा ज़िंदगी का तो यही फंडा है। अगर सारा दिन रोके रोने बैठूंगी तो रोने के लिए जरिया कम नहीं है, आपको कोई भी छोटा छोटा मुद्दा मिल जाएगा जिसको पकड़ के आप रो सकते हो। खुश होने का बहाना ढूंढिए कि हर छोटी छोटी चीज़ पे खुश कैसे मैं रह सकती हूँ। तो चलिए आप लोगों से बात करते करते ये काम भी मैंने कर ही लिया। बहुत टाइम लगता है सारा दिन घर का देखभाल करना, घर को साफ रखना, इन सब चीज़ों में। अभी बच्चे नहीं हैं तो सारा काम का जो जिम्मेदारी है मेरे ऊपर ही आ गया है। पहले क्या होता था, बच्चे बड़े हैं तो कुछ काम मैं करती थी, कुछ काम वो दोनों कर देते थे, थोड़ा मेरा हल्का हो जाता था काम। अभी मेरा घर संसार चार हिस्सों में बट गया, एक मैं हूँ, एक जगह मेरी सास है, एक जगह मेरी बड़ी बेटी, एक जगह मेरी छोटी बेटी है। तो इन चारों को बैलेंस करके मुझे चलना पड़ता है। और अभी मैं चढ़ गई एक छोटा सा टूल पे, और एक बार पता है मैं इस टूल से गिर भी गई थी, मेरे घुटने जवाब दे दिए और डॉक्टर ने घुटनों को ट्रांसप्लांट के लिए भी बोला था। पर मैं चढ़ जाती हूँ कभी कभी, एक्चुअली मुझे कुछ वहाँ से सामान ढूंढना था, उतना ऊँचा तो मैं पहुँच नहीं पाऊँगी, तो छोटा सा टूल में मैं चढ़ के सामान ढूंढने लगी। तो चलिए आप लोगों से बात करते करते मेरा ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो गया है। शाम को आ गई हूँ पार्लर पे, थोड़ा सा हेयर कटिंग किया, मेरा हेयर बहुत बड़े हो रहे थे तो सोचा छोटा सा एक हेयर कटिंग ले लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, जस्ट थोड़ा सा कट किया, सुबह कलर किया था तो शाम को थोड़ा सा कट करवा लिया। और रास्ते में एक मिल गई मुझे बिल्ली मौसी, उसका भी थोड़ा सा वीडियो ले लिया। तो आज के लिए मैं ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। गुड बाय।